हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले अरविंद लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 10 पैसे की गिरावट देखने को मिली है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम टेक्निकल्स पर देखें तो इसे स्टॉक में पीछे के 1 सप्ताह में 9% से भी ऊपर की तेजी देखने को मिल रही है और 1 महीने में इसे स्टॉक में 17% के करीबन की रैली देखने को मिल रही है। 3 महीने में इसे स्टॉक में 12% की तेजी देखने को मिली है तो 6 महीने में इसे स्टॉक में ऑलमोस्ट 2% के करीबन तेजी देखने को मिल रही है। तो लगातार देखें तो इसे स्टॉक में 6 महीने में एक अच्छी रैली देखने को मिली है, परंतु 1 साल में देखें तो इससे स्टॉक में 25% के करीबन की गिरावट देखने को मिल रही है, जहां पर स्टॉक में ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलाएगा। जैसा कि इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देखें तो इससे स्टॉक में एक हाई लगता हुआ नजर आया अराउंड 135 रुपीज के इस पॉइंट पर इससे स्टॉक में एक हाई बना। ऊपरी लेवल पर इस स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलाएगा, जहां से आप इस स्टॉक में देखें तो एक रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है और इस स्टॉक का नीचे का देखें तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है अराउंड 78 रुपए। 78 रुपए इस स्टॉक में एक लो लगाया गया और यहीं से इस स्टॉक में एक मोमेंटम देखने को मिल रहेगा, जहां पर इस स्टॉक में लगातार एक खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। तो अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाना चाहते हैं तो अराउंड 89 रुपीज के एक बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 125 रुपीज तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। इस स्टॉक में ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहेगा, इसलिए एक स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बनाए, वहां पर एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।